गभीर अवपातर रूप नेला अवपात दक्षिण पूर्व बंगोपसगर सकाल 5:30 रे गभीर अवपातर रूप नेछि अवपात समुद्र मध्यरे बळ गोटाई आग को बढ़िबा सहित आगामी 12 घंटा रे केंद्रीय बंगोपसगर बात्यार रूप नेबार संभावना रहितबा आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाक केन्द्र बात्यार रूप नेबा परे आसंता काली सकाळु ओडिसा ओ आंध्र उपकूल दे अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि हेले केउठी छुइबो स्थल भाग ए जाय स्पष्ट होइनि वर्तमान एहा गोपालपुर ठारु 670 किलोमीटर पारादीप ठारु 760 किलोमीटर दूर रहिछि गत 6 घंटा हेबो एहा 32 किलोमीटर बेगरे गति करूछि स्थलभाग छुइबा बेळकु घंटा प्रति पवन बेग 80 रु 90 किलोमीटर रहिबार संभावना रहिछि अति बेसी पवन बेग 100 किलोमीटर पर्यंत जाय पारे गोपालपुर 670 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ गोपालपुर और 760 किलोमीटर 760 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप में है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज 13.4 86.4 और ये अगला 12 घंटा में साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का चांसेस है और इसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट वर्ड ही रहेगा और हमारा कल सुबह तक आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट के पास आएगा उसके बाद फिर नॉर्थ नॉर्थ अलोंग द कोस्ट मूवमेंट होगा अलोंग द कोस्ट मूवमेंट में उस समय हमारा विंड स्पीड 80 to 90 गास्टिंग टू 100 रहने का चांसेस है। ओके और वार्निंग हमने ऑलरेडी जो इश्यू किया है उसी तरह से ही है सजेस्टेड एक्शन से उस तरह से है। अधिक सूचना पई ब्रह्मपुर आम सहित लाइव जुड़े हम प्रतिनिधि आलोक साहू आलोक संभाव्य बात्या जवाद को नहीं वर्तमान समय अनेक आकलन करा एसबू भितर गोपालपुर 670 किलोमीटर दूर से रही अवपात रु गभीर अवपात में परिणत होता अवपात तेज एसबू भितर गोपालपुर ब्रह्मपुर आपड़ केमती व्यवस्था देखुंत प्रशासनिक तरफ प्रशासन तरफ केमती व्यवस्था कर विशेषकर समुद्रकूलिया लोक मेमती आलर्ट कर निश्चय देखु बात्या जवाद को किभली भाव जिला प्रशासन सम्मुखीन कर गंजाम जिले में किभली भाव जीरो काजुअल्टी हे से नहीं जिला प्रशासन पक्षर समस्त प्रस्तुति शेष होती आपड़ जी आम कह देखु गंजाम जिला को तीनोटी ओड्राफ टीम वर्तमान आसी पहुँची जो तीनोटी ओड्राफ टीम पहुँचती गोटे टीम रिकिटी पात्रपुर अंचल रण देखो अनेक समय जो पात्रपुर पहाड़िया अंचल रही था मटी खसवार चान्स रही कारण गोटे टीम रे चिकिटी पात्रपुर अंचल अंपटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ कहु छतरपुर ठारे गोटे टीम रे आ गोटे गोपालपुर तीनो टीम रे अंपटे देखते समस्त विभाग कर्मचारी को सतर्क कर दि जाएगी कहीं भी आज का रविवार यही तीन दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहीं छाड़े नहीं आ गोटे कथ रही देखो जो तलिया अंचल जो लोक मैंने रही जो समुद्रकूलिया अंचल बस्ती में जो मैंने रही से किभली भाव स्थानातरित हो चेषा चली सहित देखो आगु दुई रु तीनो लघुचाप वर्षा जनित जो रही समस्त नदी में डैम्रे पा अधिक रही से वर्तमान यदि जहाँ सूचना मिलू हेवी टू हेवी रेनफॉल होबार जो संभावना रही आखि आगे रखी समस्त डैम को गत काली गंजाम जिलार अनेक डैम को खोल जाइए कारण देखो जितेबाला बात्या आसो से ही समय हठात पा समुद्र भितर को जापर ना से कारण जो गत काली जो गंजाम जिलार जो डैम रही डैम गुड़िक खोल जाए अंपटे देखो जो गर्भवती महिला कथा जी कह जो मैंने गर्भवती महिला रही को जो विभिन्न ब्लॉक को कहुई तहसीलदार को कहुई वीडियो को कहुई से चिन्हट करेंगे से आज संध्या सुधा किभली भाव सुरक्षित स्थान रखे जो मानकर जावासवा कौन गमनागमन ना जो गर्भवती महिला जो अंचल रही जाइए किभली भाव निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र आनी रखा अंपटे देख जो कच्चा घर जो रही कच्चा घर लोक आज स्थानातरित कारण देखो आज जहाँ सूचना रही आज रात्र ठारु वर्षा आरंभ हम आस काली हेवी टू हेवी रेनफॉल रही यही कारण जो जो ब्रह्मपुर महानगर कह जिलार जो एनएससी रही से ही सब एनएससी जल किभली भाव निष्कासन हम समस्त को सतर्क कर दि जाएगी ता सहित जो ड्रेनेज विभाग जो रही केनाल जो अंचल पा जमुई से ही अंचल किभली भाव सफा करा सहित जो पा जोबले वर्षा रगा वर्षा रही वर्षा किभली भाव समुद्र भितर को जीव से नहीं चेषा चलती गत काली रातिर वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे एक बैठक करते जिलापाल आज सकाल जो बैठक रही है समस्त को सतर्क कर दि जाएगी किभली भाव जीरो काजुअल्टी हम से नहीं समस्त को कहुई आ गोटे कथा तो मत्स्यजीवी कथा जी कह देखो मत्स्यजीवी समस्त मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवाई बारण करपटे
ସୋନପୁର ଗୋପାଳପୁର ଓ ଧବଳେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଚ୍ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୁଦ୍ରର କିଛି ଅଶାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜବାଦ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ନିକଟତର ହେବ ତା'ର ଅଶାନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବ, ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୟନ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ବୋଲି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆଲୋକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।